हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मीनूज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बटर नान रेसिपी, वो जो सभी के फेवरेट होते हैं। हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बस नान तो ज़रूर ऑर्डर करते ही करते हैं, लेकिन बच्चों को तो घर में भी नान चाहिए होते हैं। तो अब हम इस नान को बनाएंगे तवे पर, जो कि मम्मियाँ आसानी से अपने बच्चों को बनाकर दे सकें बहुत झटपट। आइए देखते हैं हम किस दोनों तरीके से बनाएंगे, तंदूर में किस तरीके से बनाते हैं और तवे पर उसी नान को किस तरीके से बनाते हैं। नान बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। हमने लिया 350 ग्राम मैदा। मैदा के साथ मिला रहे हैं हम 100 ग्राम के करीब गेहूं का आटा और इसमें 1 चम्मच चीनी, आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के हम और थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें अजवाइन। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच के करीब घर की फ्रेश मलाई, 1 चम्मच ऑयल डाल के गुनगुना पानी डाल के हम इसको आटे को सॉफ्ट डो बना लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है हमें, नॉर्मल आटा गूंद लेंगे इसका। हम इसमें आटा इसलिए मिला रहे हैं, अगर हम खाली मैदा के बनाते तो नान हमारे खिंचेंगे। आटा मिलाने से नान का टेस्ट वैसा का वैसा ही रहता है, बिल्कुल बाजार जैसा। अगर परफेक्ट नान चाहते हैं तो उसमें आटा ज़रूर मिलाएं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदते रहेंगे, मैदा में बहुत कम पानी लगता है। अब इसको हम अच्छे से, आटा तैयार हो गया है हमारा, इसको 2 घंटे के लिए खमीर उठाने के लिए रख देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा खमीर नहीं उठाना होता, हल्का सा हमारा मैदा फॉर्मेट हो जाए बस। 2 घंटे हो चुके हैं, मैदा हमारी रेडी हो चुकी है। इसको मसल मसल के एकदम चिकना बना लेंगे। गर्मियों में तो 1 घंटा काफ़ी रहता है, अगर सर्दियाँ ज़्यादा हैं, मौसम ज़्यादा ठंडा है तो 2 घंटे, और गर्मियों में तो आधे घंटे में भी हम नान की मैदा तैयार कर सकते हैं। जितना चिकना हम करेंगे उतनी ही अच्छे हमारे सॉफ्ट नान बनकर तैयार होंगे। एकदम चिकना डो बना लिया है अब हमने। अब आइए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। 2 रोटी के बराबर हम 1 लोई ले लेंगे। इसको हम पहले गोल बेलेंगे, थोड़ा सा छोटी पूरी के बराबर, फिर इसको ओवल शेप देंगे, ऊपर की तरफ बेलन घुमाएंगे और नीचे की तरफ जैसे भटूरे की शेप होती है, इस तरीके से हम इसको दे देंगे। इस पर ऊपर बटर लगाएंगे, तवा हमने गर्म होने रख दिया है। कलौंजी लगा देंगे इस पर, हल्का सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लगा देंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब इसको हम उठाएंगे हाथ में और पीछे की तरफ इसमें अच्छे से हम पानी लगाएंगे। अब गर्म तवे पर पानी वाली साइड इस पर लगा देंगे। तवा बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब चिपकाते ही इसको अच्छे से पानी लगाएं ताकि नान हमारा उतरे ना। अब इसको तवा उल्टा करके अच्छे से इसको देख देख कर हम अच्छे से सेकेंगे, जिससे कि नान हमारा काला भी ना हो और गैस की हीट पूरी उस पर लगे। देखिए आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं बना रही हूँ, नान पर अच्छे से चित्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। अगर आप थोड़ी भी देर कर देंगे ना तवा पलटने में तो नान अपने आप उतरने लगेगा, इसलिए इसको पानी में डालते ही चिपकाते ही एकदम से इसको सेकना शुरू कर दें। बिल्कुल वही तंदूर वाला टेस्ट आता है इसमें। अब इसको पलटे से उतार लेंगे, देखिए पीछे से भी सीख चुका है। अब इसको बचा हुआ हम इस पर गैस पर सेक लेंगे, हल्का हल्का हम इसको गैस पर पीछे से भी सेक लेंगे, जिससे कि करारा नान हमारा बनकर तैयार हो। नान हमारा देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है एकदम। इस पर हम बटर लगा देंगे, बिल्कुल तंदूर जैसा नान बनकर हमारा तैयार हो चुका है। आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसको बच्चों को जल्दी से, जब भी झटपट बच्चों को मन कर रहा है बना के देना हो तो हम तवे पे नान बनाकर दे सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम इसी नान को तंदूर में किस तरीके से बनाएंगे। इसी तरीके से सिंपल हम बेल लेंगे। इसको मैं इलेक्ट्रिक तंदूर में बनाऊँगी, इतने हमारा तंदूर गर्म होता है। हम बेल लेते हैं नान को। इस नान को मैं परत वाले की तरह बनाऊंगी, परत नान। पहले बेल लेंगे हल्का सा इसको, इस पर हम लगा लेंगे बटर और सूखी मैदा, इस पर हल्की हल्की हम डस्ट कर देंगे। इसको चारों तरफ से हम फोल्ड कर लेंगे जैसे चकोर परांठा बनाया जाता है। अब इसको हल्का हल्का घुमाते हुए इसको ओवल शेप दे देंगे। ये नान भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है परत वाला बनकर, इसमें अलग से परतें खिल जाती हैं। इसके ऊपर से बटर लगा देंगे,
कलौंजी लगा देंगे और हल्का सा हरा धनिया लगा के, इसमें हमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, तंदूर हमारा गर्म है, इस पर हम डाल देंगे अपने नानों को दोनों को। 1-2 मिनट में इसमें नान सिक कर तैयार हो जाते हैं, चेक कर लेते हैं। 1 मिनट हुआ है अभी, नान बनकर बिल्कुल तैयार हैं। जैसे तवे पर नान बने थे वैसे ही तंदूर में बनकर निकले हैं, बहुत ही क्रिस्पी नान बने हैं फ्रेंड्स। अब चाहे तंदूर में बनाएं चाहे तवे पर बनाएं, एकदम परफेक्ट नान घर में बना सकते हैं आप बहुत आसानी से। एकदम मक्खन मलाई जैसे नान बने हैं, इन नान को बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी यम्मी नान बनेंगे आपके। और फ्रेंड्स अपने एक्सपीरियंस को मीनूज किचन में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।